हम नहीं मानते। साडा हक ऐसे रख, साडा हक ऐसे रख, साडा हक ऐसे रख। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। हम नहीं मानते। साडा हक ऐसे रख, साडा हक ऐसे रख। पहले भी दो तीन साल से ये जो प्रेस क्लब पूरे वाला का डिस्प्यूट चल रहा है, इसमें डीसी साहब ने जो कमेटी बनाई थी उसमें मामले की रिजॉल्व की तरफ चले गया था, लेकिन ये प्रेस क्लब वाले जो हैं इन्होंने डिक्टेटर की लगता है ये पैदाइश है जो इनको माइंड डिक्टेटर वाला है, जमहूरी इनकी ना सोच है और ना ये साफियों को अकोमोडेट कर रहे हैं। हमारा डीसी विहाड़ी से और डीपीओ विहाड़ी से मुतालबा है कि हम पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, अगर हमें तीन दिन के अंदर हमारे मामले को रिजॉल्व ना किया गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस प्रेस क्लब में जम ना किया गया तो हम अपने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाते हुए इसको जिला लेवल तक, डिवीजन लेवल तक, उसके बाद हम पंजाब लेवल तक लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, ये वर्कर साफी जितने भी हैं वो बाहर हैं, बाकी जो चंद लोग हैं वो अंदर बैठे हुए हैं। तो इस से पहले भी ये दो तीन दफा ये मामला जो चल चुके हैं डीसी साहब विहाड़ी की जानिब से एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसपे ये तय हो गया था, फैसला हो गया था कि उसमें 7 से 9 जो लोग थे उन्होंने उनको मेंबरशिप देने की जो एक फैसला किया था, लेकिन जो प्रेस क्लब में लोग बैठे हैं सीनियर लोग हैं उन्होंने उनको भी मानने से इनकार किया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी वर्कर साथी हैं वो भी बाहर हैं, प्रिंट मीडिया के भी लोग जो हैं वो बाहर हैं। तो हमारी यहाँ पे हम तो एक बार फिर यहाँ पे एहतजाज करने पर मजबूर हैं कि हमें जो हमें अंदर जगह दी जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जम किया जाए और ये जो वर्कर साथी हैं उनको काम करने का मौका दिया जाए ताकि ये जो इतने इतने बड़े जो किराए हैं इतनी महंगाई के दौर में हम साफी जो है वो अपने बच्चों का पेट पालें या वहाँ पे बैठे जो बिल्डिंगें हमने किराए पे ले रखी हैं वो किराया वहाँ पे दें उनको दें। तो हम इल्तजा करते हैं एक बार फिर डीसी विहाड़ी से और जो डीपीओ विहाड़ी से कि इसका फिलफोर नोटिस लेकर इसको पूरा मन तरीके से इस पर नजरसानी की जाए ताकि हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो प्रेस क्लब के बाहर ये तीसरा या चौथा धरना है, इससे पहले जो धरना 1.5 साल पहले हुआ था उसमें डीसी साहब और इंफॉर्मेशन डिप्टी डायरेक्टर साहब जो विहाड़ी में उनके और बाकी जो उस वक्त के सदर जनरल सेक्रेटरी थे उनके दरमियान और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के दरमियान एक वादा तय हुआ था कि अगले 3 माह के अंदर एक कमेटी बनेगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 3 नुमाइंदे थे और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया के 7 नुमाइंदे थे जिनको मेंबरशिप मिली थी, लेकिन 1.5 साल या 1.5-2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक एक सिंगल मीटिंग भी नहीं हो सकी जो प्रेस क्लब के अहदेदारान हैं उनके साथ। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि वो लोग जो सारा दिन अपने ज़ाती खर्चे पे कवरेज करते हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट अदारों की ऑफिसर्स की, लेकिन उनको इसका सिला ये मिलता है कि वो हर माह जो है वो अपने ज़ाती जेब से पैसे देते हैं और जो उन्होंने ऑफिस बनाए वहाँ का खर्चा पेट किया जाता है। और ये जो प्रेस क्लब है ये एक ऐसी जगह है कि जो कि तमाम सहाफ़ियों के लिए यहाँ पर बैठना उनका हक है। तो मैं डीसी विहाड़ी से या जो भी इस मामले में मदद कर सकता है वो मैं समझता हूँ कि उन्हें आगे आना चाहिए ताकि ये जो मसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं किसी नागहानी सूरत की शक्ल ना तैयार कर दें। मसूद आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे सवाल है कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न के नुमाइंदे भी हैं और आप माशाल्लाह एक्टिविस्ट भी हैं, पाकिस्तान का जो आयन है उसके अंदर तो तमाम शहरियों को जो इस तरह की पाकिस्तान के प्रेस क्लब है क्योंकि पहले प्रिंट मीडिया का दौर था, आज जो सोशल मीडिया है डिप्टी कमिश्नर व्याड़ी कैप्टन वकास बशीर सब छोटी छोटी जो एक्टिविटी करते हैं वो भी प्रेस क्लब सॉरी फेसबुक पर ला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं 1947 से लेकर आज 2020 हो चुका है, दुनिया ग्लोबल बन चुकी है,
तो प्रेस क्लब बुरे वाला के जो चंद कब्जा माफिया लोग हैं उस हवाले से आपका क्या मौका है जी? जी मैं समझता हूँ कि ये पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये वाहद प्रेस क्लब होगा बुरे वाला कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे को आने की इजाजत नहीं है। नहीं, आप मेरा सवाल है कि आप पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे हैं और पाकिस्तान टेलीविजन का जो नुमाइंदा है वो बाहर है, जो प्राइवेट टीवी चैनल के नुमाइंदे हों उनको सरकारी जगह मिली हुई, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस तरफ ही आ रहा था कि पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान में ये वाहद प्रेस क्लब है, यहाँ पे खासतौर पर जो पीटीवी के नुमाइंदा है उसको भी मेंबरशिप नहीं मिली और जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे उनको भी मेंबरशिप नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बुनियादी इंसानी हकूक की ये खिलाफ वर्जी है तो इस पे भी एक्शन लेना चाहिए। जो भी इस सिलसिले में डीसी साहब हैं वो हमारे के जिले के कस्टोडियन हैं उनको इसको पर भरपूर एक्शन लेना चाहिए और फिल फॉर जो टीवी चैनल के नुमाइंदे तकरीबन 35 से 40 तक हैं ये सारे बाहर घूम रहे हैं और इनको मेंबरशिप दी जाए, मेंबरशिप दी जाए और साथ या अलग से जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ऑफिस यहाँ पे बनाया जाए। सुधाकर सर एक तो बहुत शुक्रिया, दूसरा आप पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर बियाड़ी जो कैप्टन विकास ऋषि साहब से आपका वफद बियाड़ी भी मुलाकात हो, उन्होंने क्या कहा इस हवाले से? जी डीसी साहब ने वादा किया था कि मैं कोशिश करूँगा जो प्रेस क्लब के बाकी बुरे वाले के मेम्बरान हैं अहदेदारान हैं उनको बुलाऊँगा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक 3 या 4 माह गुजर चुके हैं, लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है, कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी जनाब। मुझे तो ये बात कहते हुए भी शर्म आती है कि ये जो कब्जा माफिया ने प्रेस क्लब में कब्जा करके बैठा हुआ है, 3 वाकयात हो चुके हैं, 2 साल का वक्त गुजर चुका है, अभी तक हमारे मामला जो है ना डीसी साहब हल करवा सके हैं ना ही डीपीओ साहब हल करवा सके हैं और हमें अफसोस होता है। ये पीटीवी का हमारा नुमाइंदा है बुरेवाला में मसूद आवा साहब, पीटीवी का नुमाइंदा सरकारी टेलीविज़न का नुमाइंदा होकर ये वाइप कर रहे हैं और ये चंद लोग हैं जो अंदर बैठे हुए हैं कब्जा करके, अल्लाह का खौफ नहीं है इन्हें, मैं तो बस अफसोस ही करूंगा, बाकी तो अल्लाह ही हाफज़ है, जनाजा ही निकाल दिया इन लोगों ने। बाकी इंतज़ामिया को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें और हमारे जो दोस्त हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथ वादे किए हुए हैं उनको वफा किया जाए, नहीं तो ये मामला जो है हम तो अच्छी तरह इन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इंतज़ामिया की तरफ से बिल्कुल हमें लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है। जी जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। ये जो कब्जा माफिया अंदर बैठा हुआ है, बाहर जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्किंग जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो बाहर जो बाहर अपनी किराए पे जगह लेकर बैठे हैं, कब्जा माफिया अंदर बैठा है, इन्हें चाहिए कि सबको मेंबरशिप दे या हमें अलहदा से अंदर जगह दी जाए ताकि हम जो अंदर बैठ के अपना काम आसानी तरीके से निभा सकें। जो हम जो बाहर धक्के खाते फिर रहे हैं इतनी देर से, 3 दफ़ा जो वाकयात हो चुके हैं, डीसी साहब के पास भी हम गए तो डीसी साहब ने भी कहा था कि ये जो मामला है हल होगा, हम उनको बुलाएंगे फिर उसके बाद जो इसका लाए अमल होगा वो जो किया जाएगा, लेकिन अभी तक डीसी साहब ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब हम अपना हक लेने के लिए ये बुरे वाला कॉलेज रोड प्रेस क्लब के सामने धरना दे के बैठे हैं, हमें हमारा जो है हक दिया जाए, हमें अंदर जगह दी जाए। जी 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 बिल्कुल, ये मामला जो प्रेस क्लब का है ये पूरे बुरे वाला के शहरियों के लिए भी इंतहाई अफसोस की बात है। यहाँ पे जितने स्टेक होल्डर हैं मैं उनसे भी मुतालबा करूँगा कि इस मसले को फिलफौर हल करवाया जाए। हमारा ये 3री दफ़ा इस प्रेस क्लब के सामने धरना है, हम पुरअमन लोग हैं, हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिससे इस ज़िले का इस शहर का अमन खराब हो। तो मैं डीसी बिहाड़ी विकास रशीद साहब से मुतालबा करता हूँ कि हमारे जितने बाहर वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए अलहदा ऊपर खाली हाल पड़ा है, उसमें हमें जगह दी जाए। जो इनके आइन और इनके जाब्तों के मुताबिक नहीं उतरते, हम पूरे शहर के सहाफ़ियों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करने को तैयार हैं और इस मसले को 1-2 दिन में हल किया जाए, मजीद जो है इसमें गुंजाइश नहीं है। इसका दायरा कार इंशाल्लाह ताला आज रात से ही डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में भी इंशाल्लाह एहतजाज होगा, उसके बाद हम इसको पंजाब लेवल तक लेके जाएंगे और फिर इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा होगा। तो मेरी
इंतजामिया से गुजारिश है कि इसका फिलफौर नोटिस लेकर हमें जगह दी जाए। अब ये हर बंदे के लिए ये एहतजाज करना पड़ता है, हम जितने वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए जगह का मुतालबा करते हैं, हमें जगह दी जाए। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो ये एहतजाज है बिल्कुल हम सहाफ़ी हैं इसके हक में नहीं है, लेकिन हमें मजबूर किया गया, इस हद तक पहुँचाया गया कि हम एहतजाज करें। आज हम इसलिए एहतजाज यहाँ कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस वक्त की ज़रूरत है और रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखती है, उसे बिल्कुल यहाँ से इग्नोर किया गया, उनके लिए बिल्कुल जगह नहीं है। क्या हम सहाफ़ी नहीं हैं? हम सारा दिन कैमरे लेके धूप में जगह जगह हर जगह अवेलेबल होते हैं, जर्नलिस्ट वर्कर हैं हम, लेकिन हमें इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ आज एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हम एहतजाज के हक में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन हमें मजबूर किया गया। इन जो चंद कब्जा माफिया सहाफ़ी अंदर बैठे हुए हैं, जो बेहिस हो चुके हैं, जिनके अंदर बिल्कुल एहसास ख़त्म हो चुका है कि ये जो हम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, हम उनके चले छोटे ही सही, जूनियर ही सही, हमें रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, हमें जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए जी। बहुत शुक्रिया। और मैं स्पेशली डीसी विहाड़ी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉजिटिव रोल अदा करें, जो हमारे मामलात हैं वो एहसन तरीके से मेरिट पे हमारे हल करवाएं और हमें अंदर जो है बिल्कुल जगह दी जाए, अलग से जगह दी जाए, ताकि हम जो मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम अपना अलग से एक जो काम है वो खुश असलूबी से कर सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्रेस क्लब बूरेवाला के तमाम उद्दरान से मतालबा है कि मुदारा आप होश के नाखन लें। अब इंतहा हो चुकी है कि आपने तीसरी मरतबा प्रेस क्लब बूरेवाला के आगे जो बूरेवाला के करीम जो अहम सतून है जो साफ़त कर रहे हैं, मैं सबसे पहले जो इस टाइम इस टेंट में एहतजाज कर रहे हैं, सबसे पहले इन साफियों को सलाम पेश करता हूँ। और मेरा वज़ीर आला पंजाब और इमरान ख़ान साहब से मतालबा है कि आपकी हुकूमत ने जो एक 20 साल से कोशिश कर रहे थे कि लोगों को मेरी हुकूमत आएगी, इंसाफ मिलेगा, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में सबसे अहम रोल मीडिया ने किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वज़ीर आज़म बनने तक मीडिया ने बड़ी जद्दोजहद की और उसमें तमाम एक्टिविस्ट ने, लेकिन आज जो बूरेवाला में धूप हो, बारिश हो, आंधी तूफान हो, तो जो किराए पर मुख्तलिफ साफ़ी और मेरे साथ पाकिस्तान टेलीविज़न का जो नुमाइंदा मसूद आबिद रशीद साहब, उस समेत तकरीबन 100 से ज़्यादा साफ़ी बाहर धक्के खा रहे हैं और चंद नाम नहाद, ये हमें नाम नहाद समझते हैं, ये खुद नाम नहाद हैं, जहली दवाइयाँ बेचते हैं, जहली जनाब इनके काम है, उनको तहफ़ के लिए गवर्नमेंट की बिल्डिंग पर कब्जा करके रखा हुआ है। इन लोगों ने ये तमाशा बनाया कि इनके बाप की जागीरदार है, लेकिन हम भी बूरेवाला के रहायशी हैं और इसमें बूरेवाला की 15 लाख आबादी जानती है कि कौन साफत करता है और कौन भत्ता माफिया है। आप लोग ये सुन लें और मेरे जिलाई हुकूमत से यही मतालबा है, कमिश्नर मुल्तान से, ये जो लॉलीपॉप आप दे रहे हैं, खुदारा आप भी सरकारी गाड़ियां और सरकारी जो टैक्स से आपको तनख्वाहें मिलती है छोड़कर आपको पता लगे कि लोगों की खिदमत कैसी होती है, अंदर बंद कमरों में बैठ कर आप जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपको ये मतालबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम साफ़ी बूरेवाला के वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से मतालबा करते हैं कि इस मरतबा हम बिल्कुल नहीं उठना जब तक हमें को मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, हम हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया इसको अलग जगह दी जाए, इनकी ज़ाती जगह नहीं है, या ताले लगाए जाए, इनको भी बाहर टेंट में बैठाया जाए, मेरा यही मतालबा है। और मेरा बूरेवाला के तमाम स्टेक होल्डर और तमाम अराकीन और ज़िला इंतज़ामिया से यही पुरअमन हमारा मतालबा है कि आप फौरी तौर पर नोटिस लें, वरना पूरी दुनिया में ये हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, उस वक्त तक बैठना नहीं जब तक हमें जगह न दी जाए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बूरेवाला प्रेस क्लब पर एक मखसूस छोटे ने जो है अपना जागीरदाराना निज़ाम काम करते हुए उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। अब दुनिया जो कि एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के को निकाले बगैर उसको शामिल वजूद जो है वो नामुकम्मल है। हमारे पाकिस्तान के तमाम बड़े सिटीज़ के अंदर देख लें, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब है, लाहौर प्रेस क्लब है, कराची प्रेस क्लब है,
वहां पर दौरे हाल के को जांचते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसे जम कर लिया गया है, लेकिन इन्होंने एक मखसूस जो टोला अंदर बैठा हुआ है उन्होंने एक आयन का जो खुद साख्ता आयन है उसका शेल्टर लिया हुआ है और उसने उस आयन को जो है मोम की गुड़िया समझा हुआ है और उसने मोम की गुड़िया को जैसे चाहते हैं उसको मरोड़ तोड़ के वो इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले भी ये साबक डीसी बिहारी जो इरफान अली काठिया साहब थे उनके दौर में ये फैसला हुआ था और नदीम मुश्ताक रामी साहब जो उन्होंने टाइम लिया था कि पूरे बुरे वाला प्रेस क्लब के जो मेंबरान हैं उन्होंने मुझे ये इख्तियार दिया है कि मैं जो भी फैसला करूंगा उसके ऊपर उसे मनोअन तस्लीम किया जाएगा। तो उन्होंने ये वादा किया था जो लिख कर दे के आए थे कि हम 3 महीने के अंदर अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जम करने के पाबंद हैं। आज जो है 1 साल का अरसा हो गया है तो लेकिन उसमें जो है उसमें तरमीम नहीं की गई। हम फिर जो है एक दफ़ा दोबारा पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और हमारा ये मुतालबा है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से कि वो जो फैसला किया गया था उसके ऊपर जो अमल दरामद करवाया जाए। मैंने सारी ना वीडियो में सारी।